तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल SMIA पे। और दोस्तों, आइए आज बात करते हैं NCC लिमिटेड के स्टॉक की। इस स्टॉक में आज पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल गई है, 0.43% की रैली देखने को मिल रही है और ये जो स्टॉक है 69.55 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अब आने वाले टाइम में इसके टारगेट क्या रह सकते हैं, क्या इसमें तेज़ी बनेगी, जहाँ करेक्शन देखने को मिलेगी, आइए आज इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके टेक्निकल्स भी जान लेते हैं, चार्ट भी स्टडी कर लेते हैं, फाइनेंशियल भी जानेंगे। तो एंड तक आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर करें। आइए सबसे पहले इसके स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट 5 डे का डाटा देखें तो यहाँ पे 2.25% की करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस स्टॉक ने लोअर सपोर्ट लेवल बना के बहुत ही अच्छी रिकवरी भी शो की हुई है। 1 मंथ का डाटा बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा है। 17.20% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में रेंज बाउंड काम होता दिख जाएगा। 6 मंथ का डाटा देखें, 2.32% की गिरावट ही इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। पहले इसमें क्रैश भी हुआ था, लेकिन अब इस स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल गई है। आइए इसका लॉन्ग टर्म का 1 ईयर का पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी 8.07% की करेक्शन ही देखने को मिलेगी। 5 ईयर का डाटा भी नेगेटिव ट्रेंड ही शो कर रहा है, 27% की ग्रेविटी है। मैक्सिमम इस स्टॉक में 1175% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आइए इसकी लेटेस्ट ट्रेंड चेक कर लेते हैं। तो अनंत राठी इस स्टॉक पे बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ब्यूलिश है। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अनंत राठी इस पर क्यों ब्यूलिश हैं, क्यों पॉजिटिव हैं और उनके जो नए टारगेट निकल कर आ रहे हैं क्या निकल कर आ रहे हैं। आइए इस न्यूज़ को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, अनंत राठी हैज़ गिवन ए बाय कॉल ऑन द NCC फॉर ए टारगेट प्राइस ऑफ 105 रुपीज़। तो अनंत राठी की तरफ से बहुत ही बड़े टारगेट इस कंपनी पे सुजेस्ट किए जा रहे हैं। तो आइए इसको डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं। द टाइम पीरियड गिवन बाय द एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन दिस स्टॉक कैन रीच द डिफाइंड टारगेट ऑफ 105। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, करंट मार्केट प्राइस से इस स्टॉक में 30% से लेके 40% तक ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू द अनंत राठी। तो आइए आगे बढ़ लेते हैं, इस कंपनी के डिटेल जान लेते हैं। तो ये जो कंपनी है, एक मिड कैप कंपनी है। 1990 में ये कंपनी शुरू हुई थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 4,201 करोड़ का है और ये जो कंपनी है मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही काम करती है। और यदि इस कंपनी के की प्रोडक्ट्स देखें, रेवेन्यू सेगमेंट्स देखें, तो दैट इंक्लूड्स द इनकम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। आइए इसके फाइनेंशियल जान लेते हैं। फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन द 31st 12 2021, द कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ दिस कंपनी हैज़ बिन रिपोर्टेड एज ₹3,032 करोड़ एंड इट इज़ इंक्रीज बाई 16.61% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड दिस इनकम हैज़ बिन ग्रोइंग बाई 41.02% ऑन ए जीयर ऑन जीयर बेसिस। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इसकी जो इनकम थी, दैट वॉज 2,150 करोड़ और लेटेस्ट क्वार्टर में, दैट इज़ दिसंबर क्वार्टर में, इसकी जो इनकम थी 3,032 करोड़ है। तो 41% की बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो, इस कंपनी की जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रो हो रही है, जीयर ऑन जीयर बेसिस पे भी बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों, किसी भी कंपनी की जो टोटल इनकम होती है, इनकम फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेगमेंट्स होती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम इंक्लूड करके इस कंपनी की टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है। प्रॉफिट देखें तो इस कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज बीन रिपोर्टेड एज 83.77 करोड़, क्योंकि किसी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो उस कंपनी की प्रॉफिट शो करता है आफ्टर पेइंग द टैक्स एंड द एक्सपेंडिचर। तो दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव शो कर रही हैं। आइए इसके इन्वेस्टमेंट रैशनल जान लेते हैं। जो अनंत राठी है, उनका कहना है कि आने वाले टाइम में इसमें बड़े टारगेट आपको हिट होते दिख सकते हैं। फ्रॉम द अनाउंसमेंट्स मेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, द Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 इनफ्लोज एट ₹3.2 बिलियन अपीयर्स टू हैव बीन डल फॉर दिस वन ऑफ द मोस्ट डिवर्सिफाइड कंपनी। नेवरदीलेस, हेल्दी एडिशंस ऑफ 96 बिलियन ओवर 9 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22 मीन फुल ईयर एडिशन वुड स्टिल एक्सीड ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में बहुत ही बड़े टारगेट आपको हिट होते देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 9 month का डाटा बहुत ही इंकरेजिंग था, बहुत ही पॉजिटिव था और इस कंपनी ने 96 बिलियन के ऑर्डर जो है वो ऐड किए हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी कंडीशन है। तो
आने वाले टाइम में फुल ईयर का जो डाटा आएगा दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। तो इसलिए दोस्तों इसमें बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। क्वार्टर फोर के जो नंबर्स है बहुत ही हेल्दी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए ही इस पर जो है अनुदराती पॉजिटिव जो है वो टारगेट दे रहे हैं। इसमें शेयर होल्डिंग देखें, प्रमोटर के पास नियरली 19.68% का स्टेक है, FIS के पास 8.89% का स्टेक है और DIS के पास भी 12.25% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। मार्च 2022 का डाटा एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और इसके जो टेक्निकल्स हैं दे आर ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी ब्यूलिश इन द पॉजिटिव, दे आर शोइंग द पॉजिटिव मोमेंटम। तो दोस्तों इस स्टॉक में आपको बहुत ही अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। दो तीन पॉइंट्स हैं इसके, क्वार्टर फोर के नंबर्स भी पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। दूसरा, इस कंपनी के जो ऑर्डर बुक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डिमांड आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करती है, सिविल इंजीनियरिंग में काम करती है। आने वाले टाइम में ज़रूर इसमें आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। PE रेशो भी इसका जो सेक्टर के कंपैरेटिवली बहुत ही लो है। वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, 11.67 का PE रेशो है, सेक्टर का PE रेशो 40 का है। तो सेक्टर के कंपैरेटिवली अभी ये जो स्टॉक है आपको लो वैल्यूएशंस पे मिल सकता है, तो ये आपको नोट करके चलना होगा। और इसके जो मार्च 22 के नंबर्स आएंगे फाइनेंशियल ईयर 22 के एंड क्वार्टर फोर के, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। तो शेयर होल्डिंग का पैटर्न डिटेल में हम स्टडी कर लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो इस कंपनी के प्लेज्ड शेयर्स अब जो है वो आपको रिड्यूस होते दिख रहे हैं और इनके जो प्लेज्ड शेयर्स हैं 20.52% थे मार्च 22 में आप देख सकते हो 18.81% रह गए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिडक्शन देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बड़े ऑन बड़े इंस्टीट्यूशंस का डाटा देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में बाइंग की हुई है लेकिन FIIs इसमें सेलिंग कर रहे हैं। तो प्रमोटर के प्लेज शेयर्स हैं वो 0.59% से हिसाब से रिड्यूस हो रही हैं लेकिन उनकी होल्डिंग कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, उनके जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस हो रही हैं लेकिन FIIs का डाटा जो है वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है तो ये जो कंपनी है कि लो डेब्ट कंपनी है ये भी आपको नोट करके चलना होगा। तो वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, तो इस स्टॉक में ये इंटर करने का बहुत ही अच्छा मौका है। यदि आप इस स्टॉक में इसी लेवल पे इंटर करोगे 60 से लेकर 70 तक तो आने वाले टाइम में आपको 105 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। सो एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और इसमें हम आपको बहुत ही जेन्युइन आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आइडियाज़ प्रोवाइड करते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।